तो हम अपने घर में पैसे लगा के उसे सुंदर तो बना लेते हैं, बट क्या हमें पता है कि उसी घर को मेंटेन कैसे रखना है। एग्जांपल के तौर पे, जैसे अगर हमने अपने फ्लोर में इटालियन डाल दिया, तो कहीं ऐसा तो नहीं है आप आज भी उस पर लाइजोल लगा रहे हो, क्योंकि वो तो गलत है। कहीं ऐसा तो नहीं आपने अच्छी क्वालिटी का पेंट लगाया और वहीं पे किसी बच्चे ने आके वहां पे कोई पेंसिल चला दी। ये बिल्कुल ऐसी है कि आपने एक महंगी गाड़ी तो खरीद ली, लेकिन उसको मेंटेन कराना उतना ही मुश्किल हो सकता है, क्योंकि गाड़ियों के लिए तो सर्विस सेंटर है जो आपको बताएंगे हर चीज के लिए, लेकिन हमारे घर के लिए कौन बताएगा। तो डोंट वरी, आपका इंटीरियर कोच आज आपको एक ऐसे हैक बताने वाला है कि घर बनने के बाद उसमें ऐसे कौन से पर्टिकुलरली आपको 10 मटेरियल रखने हैं, जिससे आपके घर की लाइफ अगले 15 साल तक एकदम चकाचक रहेगी। और उससे भी बड़ी चीज, मैं मटेरियल्स के नाम बताऊंगा, ये कैसे यूज होते हैं वो बताऊंगा, और उससे भी बड़ी चीज, ये कहां पे मिलते हैं वो भी बताऊंगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे फ्लोरिंग में। फ्लोरिंग में हमारा क्या होता है, ग्राउट हम यूज करते हैं। ग्राउट कैसे कहते हैं, जब दो टाइलों के बीच में जो पाउडर को भरा जाता है, जिससे कि पानी या कोई भी अदर मटेरियल उसके अंदर ना जाए और सीलन ना हो, उसे हम कहते हैं ग्राउटिंग। अब अक्सर लोग यहाँ क्या करते हैं, व्हाइट सीमेंट भर देते हैं, नॉर्मल किसी पाउडर का फिलअप कर देते हैं। तो हमें ये ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको करना क्या है, 1 किलो का एक पैकेट है जो मैं अभी लिंक आपको दूंगा, ये आपको हर 6 महीने या 8 महीने में एक बार अपने वॉशरूम्स में, अपने फ्लोर्स में और अपने घर की टेरेस में आपको एक बार नजर मारनी। कहीं अगर आपको ग्राउट उखड़ा हुआ दिखाई देता है, तो आपको MYK कंपनी के ग्राउट पाउडर और उसका ही केमिकल 1176 को मिक्स करके आपको इससे ग्राउट बनाना है। अब यहाँ पे ब्रांड्स और भी बहुत सारे हैं, लेकिन ये सारे चीज मैंने वो ब्रांड सेलेक्ट किए हैं जो मैंने यूज किए हैं, जो कि ट्रस्टेड है और 100% काम करते हैं। अब इसमें एक छोटी सी प्रिकॉशन लेनी है कि जैसे ही हम टाइल पे ग्राउट करेंगे, आपको यहाँ पे मास्किंग टेप जॉइंट्स के दोनों तरफ पहले लगाना है, उसके बाद ग्राउट को उसमें डाल देना है, उसके बाद दोनों मास्किंग टेप को निकाल देना है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ 1 kg का पैक खरीदना है, जो आपका कम से कम 2 साल आराम से चलता है। इसमें किसी भी टाइप का पानी अलग से नहीं मिलाना है। अब सेकंड पॉइंट आता है अपनी फ्लोरिंग पे पोचा मारने का, मतलब कि मोप करने का। क्या पहले तो ये वीडियो को पॉज करके बताना, क्या आप अपने घर में लाइजोल यूज कर रहे हो या फिनाइल यूज कर रहे हो? और अगर आपके घर में इटालियन फ्लोर डला हुआ है, तो एक चीज का ध्यान रखना, आप अपने पत्थर की क्वालिटी को खुद ही खराब कर रहे हो। आपको किसी भी टाइप का केमिकल, लाइजोल वगैरह ये सब अपने फ्लोर पे यूज नहीं करना है। होता क्या है कि ये सारे नेचुरल पत्थर होते हैं जिनमें क्रैक्स आ जाते हैं। सेम चीज आपके व्हाइट मार्बल के साथ भी होता है, अगर आपने देखा होगा तो छोटे छोटे उसमें छेद होने लग जाते हैं। उसके पीछे रीजन ये है कि या तो हम फिनाइल यूज करते हैं या हम लाइजोल यूज करते हैं, कुछ लोग उसमें डिटॉल डाल देते हैं। तो ये हमें कोई भी केमिकल यूज नहीं करना है। हाँ, अगर आपके यहाँ टाइल की फ्लोरिंग है तब आप लाइजोल वगैरह यूज कर सकते हो, लेकिन अगर आपके घर में इटालियन है तब आपको डाइवर्सी कंपनी का टास्की केमिकल आता है, जो बेसिकली हर होटल रिजॉर्ट्स में यूज होता है, और लिंक मैंने डाल दिया डिस्क्रिप्शन में। ये आपको पूरा 5 लीटर या 10 लीटर का केन मंगा लेना है और डेली थोड़ा थोड़ा उसमें आपको मिला के अपने पानी में डालते रहना है। इससे आपके इटालियन की पॉलिश खराब नहीं होगी और सारे जर्म्स और बैक्टीरिया आसानी से खत्म हो जाएंगे। अब जो नेक्स्ट आता है वो होता है हमारा प्लम्बिंग से रिलेटेड। कहीं आपके घर में सीलन तो नहीं आ रही, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ है कि आपकी दीवारों पे सीपेज चढ़ रही है या उसमें से पपड़े निकलने लग गया? तो उसके पीछे 2 ही मेजर रीजन होते हैं, एक जब आपकी प्लम्बिंग लाइन ब्लॉक हो जाती है, या दूसरा जो आपकी ग्राउटिंग होती है। तो ग्राउटिंग तो मैंने आपको पहले पॉइंट में समझा दिया। अब प्लम्बिंग के केस में होता क्या है कि जैसे हमारे बाल होते हैं बाथरूम के केस में, वो आपके ब्लॉकेज बनाने में शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से पानी जो है वो पानी पाइप में रुक जाता है और साइडों से निकलना शुरू हो जाता है। सेम केस होता है हमारा किचन में। अब किचन में क्या होता है, हम अपने बर्तन धोते हैं, उसमें फूड पार्टिकल्स होते हैं, अलग अलग टाइप के ग्रीसेस होते हैं, कितने सारे मटेरियल आ जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा पाइप जो है ब्लॉक हो जाता है और हर बार हमें उसे साफ करना पड़ता है। यहाँ पे आपको क्या करना है, हर 2 वीक में एक बार आपको इस डीक्लॉक को फाड़ना है, सिंक में डालना है और चुटकियों में ये साफ हो जाएगा। इस चीज का ध्यान रखना, ये हाथ पे ना लगे, कोई ग्लव्स वगैरह डाल लेना, क्योंकि ये थोड़ा सा स्किन पे इरिटेशन पैदा कर सकता है और बहुत ही सस्ता आता है। लिंक अगेन डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अब जो नेक्स्ट पॉइंट आता है ना भाई, वो होता है हमारा WD-40। इसमें मैं एरिया नहीं बताऊंगा, पहले WD-40 केमिकल बता रहा हूं। भाई ये एक ऐसा मटेरियल है ना, एक मटेरियल और कम से कम 20 से 25 जगह आप इसको यूज कर सकते हो और बहुत ही सस्ता आता है। तो उसका जो सबसे पहला एडवांटेज होता है वो ये होता है कि आप अपने दरवाजों में 3-4 महीनों में एक बार हिंजिस जिसपे दरवाजा घूमता है उस पर स्प्रे कर देना। इससे क्या होगा, जो चू की आवाज आती है, जो हॉरर फिल्म में दिखाई देती है, वो वाली आवाज कभी नहीं आएगी। दूसरा, आपका हैंडल, अगर डोर जो है वो थोड़ा सा भी कहीं अटकता है, तो उसको वेट नहीं करने का, सीधा केमिकल डाल देने का, नहीं तो फिर उसमें जंग लगेगा, तो उसकी गरारी बोलते हैं या फिर उसका मैकेनिज्म है वो थोड़ा खराब होना शुरू हो जाता है, तो इसको डालो, वो एकदम स्मूथ हो जाएगा। तीसरा, ये किसी भी टाइप की ग्रीस को साफ कर देता है। एग्जांपल के तौर पे आपके सिंक है, आपका चिमनी है, अगर वहां पे कोई भी जंग लग गया या क्लीन नहीं हो रहा है, ग्रीस चिपक गई है, इसको स्प्रे करके छोड़ दो 2 घंटे के लिए और ये हो जाएगा ऐसा एकदम शानदार। अब मैं आपको एक छोटी से एग्जॉस्ट फैन की क्लिप दिखा रहा हूं, जो कि इस किचन में होता है, सबसे ज्यादा ऑयल उसी पे जमा होता है।
एक और इसका हिडन फैक्ट है, ये आपकी जो टैप्स हैं उनको भी क्लीन कर देता है। और ये मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपने घर में ट्राई कर चुका हूँ। क्योंकि ऐसा ना मैं वीडियो डाल दूं और बाद में वो ना हुआ तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी। अब जो नेक्स्ट मटेरियल आता है वो होता है मैजिक टैप। ये अगेन एक टैप क्लीनर है जिसको मैंने पहले काफी बहुत पहले एक वीडियो बनाई थी और यार बहुत ही जबरदस्त है, मतलब कि बहुत ज्यादा जो होते हैं ना क्या बोलते हैं स्केलिंग बैठ जाती है तब हम मैजिक टैप को यूज करते हैं। अगर आपकी टैप्स बहुत ज्यादा पुरानी हो चुकी है तो फिर आपको ये यूज करना है। अब जो नेक्स्ट आता है लेमिनेट शाइनर, भाई देखो ये 19-20 का ही फर्क करता है, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा एडवांस वर्जन पे चल जाएगा। लेमिनेट शाइनर का फायदा ये होता है कि अगर आपका घर नया है तो उस लेमिनेट की शाइन को बरकरार रखेगा। ऐसा नहीं है कि पुरानी लेमिनेट है उसको आप शाइन करोगे तो नया हो जाएगा, ऐसा कोई शाइनर आता नहीं है मार्केट में। अब नेक्स्ट जो आता है वो मेरा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरे घर में जो पेंसिल के इतने सारे निशान है, क्रेयॉन्स के कलर पे जो बच्चों ने कलाकारी दिखा रखी है, उसको कैसे मिटाया जाए। अब यहां पे ना दो ट्रिक्स हैं छोटी सी, एक तो है WD-40, लेकिन उसको क्लीन करने के लिए थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरा आता है भैया क्लीन बोल्ड मैक्स इरेजर। ये इरेजर क्या है कि पेंसिल का या क्रियॉन्स का अगर मार्क है उसको आप रब करोगे तो ये उससे मिटते चले जाएंगे। अब ये सस्ता है, इससे एक और एडवांस आता है। ये सस्ता वाला तो 400-500 के रेंज में आ जाएगा, लेकिन इससे एडवांस वाला वो 4-5 हजार का आता है, जिसमें क्यूब्स आते हैं आपको या फिर एक ब्लॉक आता है जिसे काटना होता है। नेक्स्ट जो केमिकल आता है वो होता है ग्लास क्लीनर। हमारा मिरर हो गया, हमारे विंडो के ग्लासेस हो गए, ये होते हैं हमारी टस्की R3। देखो डाइवर्सी जो है, एक छोटी चलो टिप दे देता हूँ, डाइवर्सी एक ऐसी कंपनी है जो कमर्शियल्स के लिए सारे केमिकल्स बनाती है। टोटल 9 टाइप के केमिकल होते हैं जो कमर्शियल में जाते हैं। कमर्शियल में क्यों? कभी आपने सोचा है कि होटल्स के अंदर जो व्हाइट बेडशीट होती है उस पर चाय गिर जाए या सब्जी गिर जाए वो फिर भी व्हाइट कैसे रहती है? क्योंकि जो आप ये बाकी अदर ब्रांड्स है ना, चलो नाम नहीं लेता हूं, जो डिटर्जेंट्स होते हैं बेसिकली, उनके बाप के बाप के बाप हैं ये वाले जो केमिकल्स होते हैं, और इनको बल्क में यूज किया जाता है, इसलिए ये महंगे भी बहुत आते हैं। तो ये वो केमिकल्स हैं जो यूज होते हैं। एक चीज का ध्यान रखना, किसी भी चीज के लिए नॉर्मल कपड़े का यूज मत करना, माइक्रोफाइबर क्लोथ ही लेना है जो मैं नीचे डाल दूंगा, अदरवाइज स्क्रैचेस पड़ने शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट जो आता है कि भाई अब आपके घर में बहुत ज्यादा कहीं पुराना घर है उस पे या काई वाई जम गई है या फ्लोर पे बहुत जिद्दी दाग है या फिर आपके घर में कुछ काम हुआ है उसके दाग रह गए, तो यहां पे आपको यूज करना है रॉफ कंपनी का T16, जो कि एक टाइल क्लीनर है, बहुत ही हार्ड क्लीनर होता है। डोंट वरी, इससे आपको कुछ नहीं होगा, बस ये फ्लोर पे डालने का है और अपना उसको छोड़ देने का है। फिर जैसे इसको नॉर्मल हम साफ करेंगे तो टाइल एकदम चमक के नई हो जाएगी, और भाई बिल्कुल नहीं कर देता, इतना जबरदस्त केमिकल है। जो ये क्लीनर्स होते हैं हमारी अदर ब्रांड्स के, उसमें ना टाइल और सिरेमिक क्लीनर लिखा होगा, फ्लोरिंग या सिरेमिक क्लीनर या मार्बल क्लीनर, मतलब ग्रेनाइट क्लीनर होता है वो, इटालियन क्लीनर नहीं होता। क्योंकि मैं किस्सा बताऊं, अभी आपने देखा होगा कि आजकल ब्लैक कलर की भी स्विच प्लेट आती है, तो मेरे यहां पे एक बंदा थिनर लेके स्विच प्लेट साफ कर रहा था, वो पूरी काली स्विच प्लेट व्हाइट कर दी। मेरे घर के एक वॉशरूम में पूरी ब्लैक सैनिटरी फिटिंग्स है, ब्लैक शावर, ब्लैक डाइवर्टर, ब्लैक वॉश बेसिन, ब्लैक WC। एक मियां साहब आए, मतलब मैं घर पे था नहीं तो किसी को केमिकल के बारे में आइडिया था नहीं, और भैया हमारे क्लीनर आए, उन्होंने उठाया केमिकल और पूरी WC कर दी साफ, जिसमें जो ऊपर का फ्लैप था वो हो गया हमारा बिल्कुल ही रफ सरफेस, जो शाइन थी वो बिल्कुल उड़ गई। तो इसीलिए हमें मेंटेनेंस का भी पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हाथी खरीदना आसान है लेकिन हाथी पालना बहुत ही मुश्किल है। तो इन सारे केमिकल्स के लिंक जो है वो नीचे मैंने ऑलरेडी डाल दिए, आप वहां जाके इसे खरीद सकते हो। दूसरा, कुछ अमेजिंग ऐसे टूल्स को मैंने नीचे लिंक में डाल दिया है, जैसे कि किसी की फिक्स विंडो है और वो बिल्डिंग के बाहर है तो उसको हम साफ कैसे करेंगे, क्योंकि आप बिल्डिंग के बाहर लटक के तो ग्लास को साफ नहीं कर सकते। तो कुछ ऐसे यूनिक टूल्स को मैंने डाला है जो नीचे जाके आप चाहो तो बाय कर सकते हो। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और भी ऐसे क्विक टिप्स के लिए लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन गुड बाय एंड गुड नाइट।